हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन टू वन क्लासेस। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों बी कॉम बी बी ए एम कॉम एम बी ए के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है। दोस्तों इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में कौन कौन से हैं ये हम लोग कवर कर रहे हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरे 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 वन से लेके क्वेश्चन नंबर 33 तक कराए। आज के इस वीडियो में कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 66 तक। तो बने रहिए, कोशिश करेंगे आप सभी लोग भी मेरे साथ इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने की, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब के सब क्वेश्चन आपको आपके पेपर में जरूर मिले। तैयारी होगी आपकी भी बेहतर से बेहतरीन आपके अपने यूट्यूब चैनल वन टू वन क्लासेस के साथ। दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 33 के। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 34। इफ ईडी इज जीरो डिमांड का विल बी डैश। ओके, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो जाती है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो जाती है तो आपको बताना है डिमांड का कैसा होगा। ईडी जीरो है, ईडी जीरो दोस्तों होती है हमारी सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली इन इलास्टिक केस में। और जब भी डिमांड का हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक होता है तो ऐसे केस में आपका जो डिमांड कर्व रहता है दोस्तों वो हमेशा रहता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, अर्थात ये वाला केस। ऐसे में चेंज आता है लेकिन डिमांड क्या रहती है, कांस्टेंट। डिमांड में चेंज आता ही नहीं भी, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। ध्यान रख के चलें। नेक्स्ट, कॉस्ट दैट हैव एक्चुअली बीन इनकर्ड और रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल बुक आर कॉल्ड डैश। देखिए ऐसी कॉस्ट जिसको मैं फाइनेंशियल बुक्स में नोट कर सकता हूँ, हमेशा नोट करके चलता हूँ, अपने पास रिकॉर्ड करके चलता हूँ, ऐसी कॉस्ट को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, बुक कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट को दोस्तों कहा जाता है पास्ट कॉस्ट। के चलेंगे। नेक्स्ट, द शेप ऑफ ए एफ सी कर्व। ए एफ सी कर्व की शेप क्या होती है, यू शेप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेक्टेंगल, हाइपरबोला। ए एफ सी शेप दोस्तों हमेशा रहती है हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान रख के चलेंगे। कुछ ऐसी शेप होती है एफ सी की रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए होता है क्योंकि इसके नीचे का जो एरिया होता है ना हर पॉइंट पे वो सेम ही रहता है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डैश। ओके, आपको बताना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इट इज अर्निंग इन इट्स प्रेजेंट यूज, व्हाट इट कैन बी अर्न इन द लॉन्ग पीरियड, व्हाट इट कैन अर्न इन सम अदर यूज, व्हाट हैज टू बी पेड टू रिटेन इट्स प्रेजेंट वैल्यू। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, व्हाट इट कैन अर्न इन सम अदर यूज। मतलब बेसिकली कि अगर मैं किसी चीज को उस जगह इस्तेमाल ना करूं जिस जगह मैं कर रहा हूँ, कहीं और जगह करूँ इस्तेमाल, तो जो भी उसकी वैल्यू रहेगी दोस्तों उसी को हम लोग कह के चलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एटीसी और एएफसी का डिफरेंस क्या शो करता है, नॉर्मल प्रॉफिट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोस्तों सोच समझ के जवाब देंगे इसका कि एटीसी एएफसी का डिफरेंस क्या शो करता है। दोस्तों एटीसी का फॉर्मूला होता है हमारा एटीसी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एबीसी। अगर ए टी सी में से मैं ए एफ सी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, ए बी सी, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब है ए टी सी और ए एफ सी का जो भी डिफरेंस होगा वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व की शेप क्या होती है। ओके, रेक्टेंगल हाइपरबोला, अल्फाबेट यू की तरह, इन्वर्टेड यू की तरह, सबकी तरह। तो दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट की शेप रहती है हमेशा यू, एम सी हमेशा यू शेप रहती है। बात को ध्यान रख के चलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा बनाती है यू शेप, बोलने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज टेंजेंट टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ओके, जो एलएसी होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, वो किस पॉइंट पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को टच करके चलता है, टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पे टच करके चलता है,
बहुत सोच समझ के बताएंगे। लोएस्ट पॉइंट एसएससी के, हाईएस्ट पॉइंट एसएससी के, लोएस्ट पॉइंट ऑन द एसएससी के, या फिर मिडल पॉइंट ऑन एसएससी। दोस्तों इसका सही आंसर एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन द एसएससी, बात को ध्यान रख के चलेंगे। जहां पर भी एसएससी और एलएससी टच करते हैं वहां पे लोएस्ट पॉइंट रहता है एसएससी का, बात को हमेशा ध्यान रख के चलें। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन बाय अ फर्म इज कॉल्ड डैश। आपको बताना है उन सारे रिसोर्सेज की कॉस्ट जो एक फर्म ओन करती है, तो पर फर्म का मालिकाना हक होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर इंप्लिसिट, इसको दोस्तों हम क्या कह चलते हैं, इंप्लिसिट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ इनकर्ड इन द फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय द फर्म इटसेल्फ। अपना खर्चा फर्म जब वो भी खुद अपनी तरफ से करती है उसको इंप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कर्व इज टेंजेंट टू डैश। ओके, एसी कर्व का मिनिमम पॉइंट किसके टेंजेंट होता है, सोचिए 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 क्या हो सकता है इसका सही जवाब, क्या वो एम आर के टेंजेंट है, एम सी के टेंजेंट है, ए आर के टेंजेंट है, टी सी के टेंजेंट है, इसका सही जवाब है दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मार्जिनल रिवेन्यू कर्व कैसा होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर, आपको सोच समझ के बताना है। अबव होता है डिमांड कर्व के, कोइंसाइड होता है डिमांड कर्व के, बिलो होता है डिमांड कर्व के, कटता डिमांड कर्व वंस, इसका सही जवाब है बिलो होता है डिमांड कर्व, बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया, काम में काफी काम आएंगे। नेक्स्ट, फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है 4000 यूनिट्स ऑफ इक्वी रिटर्न्स के अंदर, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 800, मार्जिनल कॉस्ट बतानी है कितनी होगी, सोचो 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 कितनी होगी मार्जिनल कॉस्ट, सोच समझ के बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 4000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है फैक्ट्री, और आपको बताना है कितनी होने वाली है उसकी मार्जिनल कॉस्ट। चलो निकाल के देख लेते हैं एक बारी। एवीसी 800 रुपए है, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 1,00,000 रुपए, 4000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो 800 × 4000 8 4 32, ठीक है, और 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ गया 32 लाख रुपए। प्लस अगला हमारा 4000, ओके इसमें एक और फर्क है, यहाँ पर 1,00,000 रुपए मेरी फिक्स कॉस्ट है, ये मेरी होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट, ये आ गया मेरा टोटल कितना आ गया 33 लाख रुपए, 33 लाख रुपए। अब इन्होंने बताया कि यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी रिटर्न चल रहा है, लॉ ऑफ इक्वी रिटर्न में क्या होता है, मैं हर बार सेम प्रोडक्शन एक्सपेक्ट करके चलता हूँ, इसलिए मेरी कॉस्ट भी सेम ही आती है। इसका मतलब है अगली यूनिट जब मेरी बनेगी तो उसकी कॉस्ट 800 रुपए ही होगी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी चल रहा है, मतलब सेम ही कॉस्ट चल रही है, सेम ही खर्चा आ रहा है हर बार ही अपना, तो सेम ही खर्चा आने वाला है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट अगर इसकी अगली निकालता हूं तो 33,800 रुपए, चेंज कितने का 800 का, इसका सही जवाब रहने वाला 800 रुपए, क्योंकि लॉ ऑफ इक्वी रिटर्न्स है, बात को हमेशा ध्यान। नेक्स्ट, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप हेल्प इन द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप किस चीज को स्टडी करता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट को, प्राइस लेवल को, डिमांड लेवल को, या नन ऑफ दीज। बढ़िया है दोस्तों क्वेश्चन, कॉस्ट आउटपुट रिलेशन हमेशा स्टडी करता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट को, बेस्ट लेवल आउटपुट का कौन सा है, यही स्टडी करता है, ध्यान रखे चलें। नेक्स्ट, एवरेज कॉस्ट फिक्स यूनिट की 6 रुपी है, टोटल फिक्स कॉस्ट 10 रुपीज है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछी गई है, ओके, मतलब एवरेज कॉस्ट मीन्स एवरेज टोटल कॉस्ट, ओके। एटीसी है 6, पांचवी यूनिट की, तो टोटल टीसी आ गई हमारे पास कितनी, 30 रुपी, 30 टीसी होगी हमारी, उसमें से टीएफसी माइनस कर देता हूँ 10 रुपये, तो आपकी बचगी टीबीसी, 20 रुपये टीबीसी आ गई, ठीक है, और एबीसी पूछ रहे हैं इसी लेवल पे, तो फिफ्थ लेवल पे आपकी टीबीसी है 20 रुपीज, तो आपको एबीसी निकालना है, एबीसी का फॉर्मूला होता है टीबीसी अपॉन एन, पता ही आप लोगों को, टीबीसी अपॉन एन 20/5, डेट इज 4, सही जवाब रहेगा 4 रुपये, ध्यान रखे चलें।
नेक्स्ट, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ सिक्स यूनिट इज 54, देन एवरेज वैल्यू विल बी, ओके टी आर सिक्स यूनिट का 54 है, ए आर निकालना है भाई, ए आर का फॉर्मूला होता है टी आर अपॉन एन, टी आर अपॉन एन 54 है, 54 अपॉन 6 दैट इज 9 रुपीज, आंसर आएगा 9 रुपीज, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट करता है किसके साथ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के साथ, बोथ के साथ, या नॉन ऑफ दीज, बहुत सोच समझ के बताएंगे। 48 का सही जवाब क्या होने वाला है, इसका सही जवाब है लॉ ऑफ वेरिएबल, और इसको हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं, रिटर्न टू अ फैक्टर, शॉर्ट रन वाला होता है, रिटर्न टू अ फैक्टर होता है हमारा, ठीक है, जबकि जो लॉन्ग रन वाला होता है हमारा वो होता है लॉन्ग रन हमारा रिटर्न टू स्केल, बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन किस चीज से लेट है, अभी बताया था मैंने आपको, रिटर्न टू स्केल के साथ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन फंक्शन किसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल इनपुट फिजिकल आउटपुट ऑफ द फर्म, स्टॉक प्रोडक्टिविटी, एग्जिस्टिंग इनपुट एग्जिस्टिंग आउटपुट, ये सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 50 का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्शन फंक्शन फिजिकल इनपुट, फिजिकल इनपुट मतलब वो इनपुट जो देखे जा सकते हैं और वो आउटपुट जो देखे जा सकते हैं, उनके रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, बात को ध्यान रखे। नेक्स्ट, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन डैश, आपको बताना है कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन किस चीज के ऊपर बेस्ड था, इंक्रीज रिटर्न, डिक्रीज रिटर्न, कॉन्स्टेंट रिटर्न, या ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही जवाब है दोस्तों कॉन्स्टेंट रिटर्न, बात को ध्यान रखे। नेक्स्ट, कॉब डगलस फॉर डैश इकोनॉमिक्स, किस तरह के इकोनॉमिक्स थे, मतलब कहाँ के इकोनॉमिक्स थे, जर्मन, अमेरिकन, इंडियन, रशियन, तो इसका सही जवाब है अमेरिकन, यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ओके इनमें से कौन सा लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न के ऊपर बेस्ड नहीं है, मैलथूसियन थ्योरी पॉपुलेशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, या डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल, ओके इनमें से कौन सा डिमिनिशिंग रिटर्न के ऊपर बेस्ड नहीं है, नहीं है, सोच समझ के जवाब देंगे, इसका सही जवाब है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न एक्चुअल में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल में एक पूरा फेज ही है जिसमें डिमिनिश ही होता है, जबकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अंदर पहले इंक्रीजिंग भी है, फिर डिमिनिशिंग भी है, और फिर नेगेटिव भी है, तो दोनों में फर्क आ जाता है, ध्यान रखिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेशनल प्रोड्यूसर विल सीक टू प्रोड्यूस इन विच स्टेट ऑफ लॉ ऑफ, अच्छा ये तो पता है, सिंपल क्वेश्चन है, कौन से लॉ में ऑपरेट करता है रेशनल प्रोड्यूसर, मतलब एक मतलब ही प्रोड्यूसर कौन से स्टेज पे ऑपरेट करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, इसका सही जवाब दोस्तों बता दूं मैं आप लोगों को, इसका सही जवाब है स्टेज टू, स्टेज टू वाला फेज है जिसमें आपका टीपीपी मैक्सिमम पे पहुंचता है और एमपी हो जाता है जीरो, इसके बाद नेगेटिव शिफ्ट हो जाता है, और नेगेटिव तो वैसे भी यार रेशनल प्रोड्यूसर को पसंद ही नहीं है, इसलिए स्टेज टू सबसे बेस्ट हो। नेक्स्ट, इन द फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी कर्व इज डैश, ओके इन्फ्लेक्शन के पॉइंट तक टीपी कर्व की शेप कैसी होती है, ये जो शेप आपके सामने है ना, इस शेप का नाम बताओ, क्या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, वाई एक्सिस पे कॉन्वेक्स है, सोचो एक बारी, दिमाग लगाओ अबाउट इट, सोचो सोचो, सही जवाब है कॉन्वेक्स टू एक्स एक्सिस, ध्यान रखे चले बात को, कॉन्वेक्स होती है और एक्स एक्सिस से अगर मैं देखूँ तो ये कॉन्वेक्स नजर आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखे चलना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न के रीजन बताने हैं कौन से हैं यार, ये तो सिंपल ही है अपना, इनविजिबल फैक्टर, इकोनॉमिक लॉ स्केल, सब है यार, सब रीजन, सब इसी के रीजन है, टेंशन लेने की। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स मेनली इन डैश, आपको बताना है इंक्रीजिंग रिटर्न्स किसमें ऑपरेट करता है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, सर्विस में, या सब में ऑपरेट करता है, बहुत सोच के बताना पड़ेगा यार, इसका सही जवाब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, मार्शल के अकॉर्डिंग, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, when more and more units of variable factor are combined with fixed factor, the applicable law is called, okay bhai jaise jaise main variable factor ko badhata rehta hu fixed factor ke sath, is law ko kya kehte hain, law of variable proportion, law of return to scale, law of marginal production, iska naam hai law of variable, simple hai yaar, jisko main kehta hu law of return to a factor bhi, dhyan rakhenge is baat ko. Next, in case of substitutes factor price curve of two factors dash, okay
सब्स्टिट्यूट के केस में जब गुड सब्स्टिट्यूट होते हैं दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, तो फैक्टर प्राइस कर्व कैसा होता है? राइज होता है, फॉल होता है, पैल रहता है या पैल रहता है वाई और एक्सिस के तार्क है? का सही जवाब है फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो फैक्टर प्राइस कर्व है दोस्तों वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए डिमांड कर्व की तरह होता है बिल्कुल। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ आइसो क्वांट इज ऑलवेज डैश। आइसो क्वांट का जो स्लोप है, आइसो क्वांट आपने सीखा है, समझा है, कैसा होता है उसका स्लोप, सबको पता है। इसका सही जवाब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, नेगेटिव, ध्यान रखे चले, काफी इंपॉर्टेंट है। आइसो प्रोडक्ट कर्व का स्लोप बताना है आपको, आइसो प्रोडक्ट कर्व का स्लोप कैसा होता है, सोचो सोचो सोचो, सोचो क्या कहलाता है, बेसिकली क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेगेटिव कॉस्ट, मार्जिनल और टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इसका सही जवाब है MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही है बेसिकली, प्रोडक्ट कर्व का मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ध्यान रखे चले। नेक्स्ट, MRTS क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बैठा था हमने ना, क्या हो सकता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या है ये टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तब टेक्निक को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, चाहे वन गुड का सेक्रीफाइस है दूसरे गुड के साथ, प्राइस का सेक्रीफाइस है, वन गुड का सेक्रीफाइस है दूसरे गुड के साथ, या वन फैक्टर का सेक्रीफाइस है दूसरे फैक्टर के साथ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एक फैक्टर को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ दूसरे फैक्टर के लिए, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी अचीव एट अ पॉइंट वेयर डैश। आपको बताना है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव होता है, या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में से कौन सी, जब MRTS ग्रेट होता है, प्राइस रेशियो लेस होता है, इक्वल होता है, या स्लोप आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट का इक्वल होता है, या डिफरेंट होता है। सही जवाब है ये, जब प्राइस रेशियो और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRS इक्वल हो जाती है, वही आता है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, आइसो क्वांट नेवर टचेस एनी एक्सिस बिकॉज, आपको बताना आइसो क्वांट कर्व क्यू को एक्सिस टच ही नहीं कर सकता बिल्कुल भी। सोचो क्या ये डाउनवर्ड स्लोप करता है, कॉन्वेक्स होता है, दोनों फैक्टर प्रोडक्शन को यूज करता है, या सब? इसका सही जवाब है दोनों फैक्टर प्रोडक्शन को यूज करता है, और अगर ये किसी भी एक्सिस को टच कर देगा तो भाई वो वाली एक्सिस का जो फैक्टर वो जीरो हो जाएगा, इससे दोनों को यूज करना ही करना है, बिना उसके काम चलेगा कैसे, दोनों फैक्टर चाहिए ना काम करने के लिए, इसलिए जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एक्सपेंशन पाथ कर्व शोज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन डैश एट वेरियस पॉइंट। ओके, एक्सपेंशन पाथ कर्व जो होता है वो किस चीज के कॉम्बिनेशन को शो करता है, सोच समझ के बताना है, इनपुट के कॉम्बिनेशन, आउटपुट के, दोनों के? इसका सही जवाब है दोस्तों इनपुट कॉम्बिनेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उनके हमारा आउटपुट बन ही नहीं सकता बिल्कुल। और आज का लास्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रिटर्न टू अ स्केल। रिटर्न टू स्केल कितने टाइप के हैं भाई, सोचो सोचो सोचो, रिटर्न टू अ स्केल कितने टाइप के हैं, 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है दोस्तों, ध्यान के चलो बात को, इंक्रीजिंग टर्न्स, कॉन्स्टेंट टर्न्स और डिमिनिशिंग, ध्यान रखेंगे ये तीन टाइप के हैं हमारे, सब भूलना बिल्कुल नहीं। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 33 से 34 से 66 तक का सफर आज हमने तय करा। अगली वीडियो में आपको लेके चलूंगा और कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 67 से लेके पूरे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर काम आएंगे, और पक्की बात है यार पेपर इन आपके पेपर जरूर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। All